रात को वो उरावी की कपड़ों की डिजाइन देख रहा था जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वो उरावी को ईमेल करता है और उसके रिप्लाई का वेट करता है। उरावी ईमेल देखती तो है पर रिप्लाई नहीं करती। अगले दिन ओन अनीक को कॉल करके उरावी के खिलाफ भड़काती है। वो अनीक से कहती है उरावी और फू बहुत ही ज्यादा करीब हैं। दूसरी तरफ उरावी अनीक को कॉल करती है पर उस अनीक का नंबर बिजी था। उरावी की असिस्टेंट पैम उसे कहती है शायद अनीक उससे नाराज है क्योंकि वो अनीक के साथ लवर जैसा बिहेव नहीं करती। वो उस पर हमेशा ही चिल्लाती रहती है। ओन अनीक से बातें करते हुए उरावी के केबिन के पास ही आ जाती है। ओन जानबूझकर अनीक का नाम लेकर उससे जोर जोर से बातें करती है जिसे सुनकर उरावी चिढ़ जाती है। वो पैम से कहती है अनीक उसका तो फोन नहीं उठा रहा और उसके दुश्मन से बातें कर रहा है इसीलिए मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। दूसरी तरफ अनीक के अंकल और आंट उसके घर आते हैं। वो कुछ दिनों तक उसी के साथ रहने वाले थे। वो अनीक से कहते हैं अब उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ उरावी अपसेट बैठी थी। पैम उसे कहती है ओन यही तो चाहती है कि वो और अनीक अलग हो जाएं। उरावी अपने गुस्से में ऐसा ही कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा वो अपने गुस्से के कारण अनीक जैसे अच्छे लड़के को खो देगी। अनीक से बात करनी चाहिए। वो अनीक को कॉल करती है पर अनीक फोन नहीं उठाता क्योंकि उनकी बातें सुनकर वो उरावी से नाराज था। मैम उसे बार बार कॉल करने को कहती है। दूसरी तरफ फू टॉम को कॉलेज ड्रॉप करता है लेकिन फू के वहाँ से जाते ही टॉम भाग जाता है। इसके बाद हम फाई को देखते हैं जो अपनी आंट और अंकल के साथ रहती है। के अंकल की उस पर गंदी नजर है। वो फाई के साथ जबरदस्ती करते हैं। फाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी आंटी वहां आती हैं। लेकिन फाई की आंटी अपनी आंखों से अपने पति की ये हरकत देखते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देती है। फाई को ही थप्पड़ मारती है। वो फाई को अपने घर से निकल जाने को कहती है। फाई भी घर छोड़कर चली जाती है। फाई के जाने के बाद आंट बहुत ही ज्यादा रोती है जिसका साफ मतलब था उन्होंने फाई को जानबूझकर घर से निकाला ताकि वो फाई को अपने पति से बचा सके। उरावी एक बार फिर से अनीक को कॉल करती है और इस बार अनीक उसका फोन उठाता है। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं। उरावी अनीक से पूछती है उन और उसके बीच क्या बात हुई जिस पर अनीक कहता है उरावी को उसकी परवाह नहीं है बल्कि वो यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि वो ये पता कर सके उसके और ओन के बीच क्या बात हुई। उरावी कहती है वो उससे इतना ज्यादा नाराज क्यों है जिस पर अनीक कहता है कभी वो दोनों एक साथ होते हैं उरावी का मूड हमेशा ही खराब होता है कभी भी उसने लवर की तरह उसे ट्रीट नहीं किया वो हमेशा ही किसी न किसी से चिड़ी रहती है उन सब का गुस्सा उस पर निकालती है उसके अंदर हद से ज्यादा गुस्सा है। अनीक वहाँ से चला जाता है कि ये सारी बातें सुनकर उरावी अपसेट हो जाती है। वो फाई अपने सभी फ्रेंड्स के पास कॉल करके मदद मांगती है। उसका कोई भी फ्रेंड उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। वहाँ पर या आता है जो फाई से कहता है वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही पर फाई कहती है वो ब्रेकअप करना चाहती है। उसने उसकी शर्त लगाई और पुलिस के आने पर वो उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया। फाई वहाँ से जाने लगती है या उसे रोकता है। पास ही में बैठा टॉम फाई की आवाज सुनकर वहां आता है। वो फाई को टॉम से बचाता है। वो दोनों वहां से भागते हैं। टॉम फाई को उसके घर जाने को कहता है पर फाई के पास न तो घर था और ऊपर से या का भी डर इसीलिए वो बेचारी टॉम के पीछे पीछे ही चलने लगती है। टॉम फाई से कहता है वो उसे फॉलो न करे पर फाई कहाँ सुनने वाली थी वो टॉम के पीछे पीछे ही चलती रहती है जिस पर टॉम उसे डांट देता है। उरावी बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। वो कंपनी आती है जहां उसके डैड ओन और उरावी को बताते हैं थाईलैंड के सबसे बड़े एयरलाइंस के ओनर हमारी कंपनी से अपनी एयरलाइंस के लिए कपड़े डिजाइन कराना चाहते हैं। ओन कहती है वो इस प्रोजेक्ट को संभाल लेगी। डैड उरावी से कहते हैं वो इसमें ओम की हेल्प करेगी। इस पर उरावी कहती है इससे अच्छा तो ये होगा वो दोनों ही अपनी अपनी डिजाइन तैयार करें इससे क्लाइंट को भी फायदा होगा उसके पास चॉइस होगी उसे जिसका डिजाइन पसंद आएगा वो उसे ही चूज कर लेगा। ओन के डैड इसके लिए मान जाते हैं। ओन अपने केबिन में आकर गुस्से से पागल हो रही थी। सारा स्टाफ उसे देखकर बातें कर रहा था कि वो बिल्कुल ही जंगली है।
उसे तमीज नहीं है। अभी उनके पीछे उरावी आ जाती है जो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो सभी उरावी से डर जाते हैं, लेकिन उरावी उनसे कहती है वो सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच में जंगली है। उरावी स्टडी कैफे में होती है, वहाँ पर फू आता है। उरावी उसे इग्नोर करने की ट्राई करती है पर नहीं कर पाती, क्योंकि फू उसी के पास आकर बैठ जाता है। फू उरावी से पूछता है क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड से सारी बातें क्लियर कर ली, पर उरावी उसे जवाब नहीं देती। फू कहता है आज फिर उसका मूड खराब है। उरावी कहती है उसका मूड खराब नहीं है। फू उरावी के फोन में अपना नंबर सेव करने लगता है, पर उरावी उससे अपना फोन छीन लेती है, जिसके बाद फू अपना नंबर एक कागज पर लिखकर उरावी को देता है और उरावी से कहता है वो एज अ फ्रेंड कभी भी उसे कॉल कर सकती है। फू वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी नजर वहीं पर बैठे टॉम पर पड़ती है। फू जाकर टॉम को पकड़ता है, भी टॉम की रक्षक बनकर वहाँ फाई आती है, फू को मारने लगती है। वो फू को टॉम से दूर रहने को कहती है। फाई से कहता है तू यहाँ क्यों आ गई, जिस पर फाई कहती है टेंशन मत ले यार, मैं तुझे इस गुंडे से बचा लूंगी। फू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो टॉम का हाथ पकड़ता है। फाई फू के हाथ में काट लेती है। टॉम को वहाँ से लेकर भागने लगती है। उरावी उन दोनों को रोकती है और डांटने लगती है। फाई उरावी से कहती है आप हमारे मसले में क्यों दखल दे रही हैं आंटी। पर उरावी वॉज लाइक आंटी, किस एंगल से मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ, तुमसे ज्यादा से ज्यादा एक दो साल बड़ी हूँ, मुझे बड़ी बहन कहो। उरावी फाई को बताती है फू टॉम का भाई है। फू टॉम को वहाँ से ले जाने लगता है। फाई आकर टॉम को रोकती है। फू टॉम को साइड करके कहता है जो भी बात करनी है मुझसे करो। फाई फू से माफी मांगती है कि उस उरावी फाई से कहती है मुझसे भी माफी मांगो, तुमने मुझे आंटी कहा। के बाद फाई उरावी से भी माफी मांगती है। फू टॉम को लेकर चला जाता है। उरावी फाई से घर जाने को कहती है। फाई कहती है उसके पास घर नहीं है। के बाद उरावी फाई को अपने घर ले आती है। उरावी की आंट फाई को रूम देती है। वो फाई से कहती है सुबह जल्दी उठकर किचन में हेल्प करना, पर फाई कहती है मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती ग्रैंड माँ। इस पर आंटी चिढ़ जाती है। फाई से कहती है बाहर जो औरत बैठी है वो ग्रैंड माँ है, मुझे आंटी कहो। उरावी की आंट फाई से पूरी तरह चिढ़ चुकी थी। वो उरावी से कहती है ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, उस लड़की को तमीज भी नहीं है। इस पर उरावी कहती है फाई की मॉम की डेथ हो गई है, कि आंट ने उसे घर से निकाल दिया, वो एक बच्ची है और पता नहीं उस अकेली लड़की के साथ बाहर क्या होगा। अगर आप कहें तो मैं फाई को जाने के लिए कह देती हूँ। जिस पर आंट कहती है कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेगी। ग्रैंडमा कहती है फाई को मैं अच्छे से तमीज सिखा दूंगी। अभी कहती है अब से फाई यहीं रहेगी, इसीलिए मैं कल उसके स्कूल जाकर बात करके आऊंगी। फाई ये सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ फू टॉम से कहता है उसने कॉलेज से बंक क्यों किया, पर ये पबजी बाज लौंडा अपने भाई की बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि ये गेम में बिजी था। और बेचारा फू उससे चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रहा था, तभी उसके पास उरावी की कॉल आती है। उरावी फू को फाई के बारे में बता देती है और वो उसे कहती है